छठा स्वरूप माँ कात्यायनी के रूप में विश्व विख्यात है। ऐसे ही आज हम आद्या शक्ति पीठ, जी हाँ, छतरपुर दक्षिण दिल्ली में स्थित है, इस मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। शक्ति पीठ है यह मंदिर, इस मंदिर की क्या मान्यता है, चलिए आज चलते हैं इस मंदिर की ओर। छतरपुर मंदिर या श्री आद्या कात्यायनी शक्ति पीठ दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित है। यह अत्यंत खूबसूरत सफेद संगमरमर का बना मंदिर है। देवी दुर्गा के छठे स्वरूप को समर्पित ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मंदिर की नक्काशी दक्षिणी भारतीय वास्तुकला में की गई। इस मंदिर को स्वामी नागपाल ने बनवाया था। ये मंदिर माता के छठे स्वरूप माता कात्यायनी को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम भी कात्यायनी शक्ति पीठ रखा गया। कात्यायनी श्रृंगार के लिए यह रोजाना दक्षिण भारत से खास हर रंग के फूलों से बनी माला मंगवाई जाती है। यहाँ खास तौर पर माता का श्रृंगार रोज आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। नवरात्रों में दिल्ली के छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी शक्ति पीठ में माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जब नवरात्रि शुरू होती है तो माँ के दर्शन करने वालों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। नवरात्र के दिनों में इस मंदिर को बेहद ही सुंदर और आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। मंदिर की खासियत है कि माँ कात्यायनी के श्रृंगार के लिए यहाँ रोजाना दक्षिण भारत से फूल एयरलिफ्ट किए जाते हैं। माँ का श्रृंगार हर रोज अलग होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जी हाँ, हम हैं माता के मंदिर में। ये एक ऐसा मंदिर है जो जाना जाता है एक शक्ति पीठ के रूप में। माँ के छठे स्वरूप की माँ कात्यायनी के देवी के रूप में इस मंदिर में पूजा अर्चना होती है और माँ उसी रूप में विराजी भी है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं माता के भव्य स्वरूप के। देखिए, ये स्वरूप माता का जो आप देख पा रहे हैं, इनकी भव्यता देखिए आप। ये जो मूर्ति है, जिस तरीके से जो माँ का श्रृंगार होता है, वो देखिए। इस श्रृंगार के बारे में कहा जाता है कि हर रोज एयर लिफ्ट करके दक्षिण से माँ के लिए ये फूलों की माला बनाई जाती है। और देखिए, इसके बाद लगभग 3 बजे से माँ का जो श्रृंगार है वो शुरू हो जाता है। और ये मान्यता भी है कि एक बार जो श्रृंगार में आई वस्तुएं होती हैं, चाहे वो वस्त्र हो, पुष्प हो, फूल हो, वो एक बार दोबारा इस्तेमाल नहीं किया थे। चलिए, बहुत से भक्तगण यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश हम उनसे करेंगे, जानेंगे वो किस भावना के साथ आए हैं। मैडम जय माता दी, शरद पूर्णिमा के नवरात्रों की आपको हार्दिक बधाई हो। सब सुखी रहें, शांति रहे, सुख समृद्धि रहे, माता रानी का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। हर साल ये नवरात्रे आते हैं, पर ये शरद के नवरात्रे हमारे लिए काफ़ी महत्व रखती हैं। कहते हैं ये नवरात्रे माता को बहुत प्रिय हैं। चैत्र के भी होते हैं, पर ये ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। सभी अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं, माता का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आपकी कृपा से हम भी दर्शन करने आए, आप भी आए। आप सभी को शरद की नवरात्रों की हार्दिक बधाई। वाकई में दिव्यता भव्यता देखते ही बनती है। आगे हम आगे और भी आने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस मंदिर के बारे में जो आप देखेंगे खूबसूरत, देखिए देखिए, ये दक्षिणी शैली में बनाया गया मंदिर है, जो इसकी दिव्यता को भव्यता को और भी ज़्यादा अपने आप में बनाता है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कब से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? इसमें मैं 94 से आ रहा हूँ। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये शक्ति पीठ है, बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत ही अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यताएं पूरी हुई हैं। और यदि इसके मंदिर के बारे में, कि सभी की अपनी अपनी मनोकामना होती है, कहा ये भी जाता है कि जिनकी जल्दी शादी नहीं होती वह यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों में भी वर्णित है कि जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को मना रही थी, उनको पति रूप में पा रही थी, उनका पति रूप में पाना चाहती थी, तब माता कात्यायनी के उन्होंने पूजा अर्चना की और माँ कात्यायनी के रूप में उन्होंने कहा कि हमें भी धर्मपत्नी के रूप में, श्री कृष्ण की धर्मपत्नी बनाया जाए। देखिए तो भव्यता आप देखिए, देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कह सकते हैं भक्तों का जो जमावड़ा है वो लगता जाएगा। भक्त अपने माता के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे, अपनी अरदास लेकर पहुँचेंगे, मनोकामना लेकर पहुँचेंगे। और देखिए, ये सिलसिला 9 दिनों तक अनवरत यूं ही जारी रहता है। माँ कात्यायनी देवी के
मंदिर में आज हम मौजूद हैं। इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता के बारे में तो आपको हम बता ही रहे हैं, और ये भी समझिए चूंकि इसे एक शक्ति पीठ माना जाता है और शक्ति पीठ के रूप में इसे कहा जाता है कि सभी इसको पूजेंगे, मानेंगे, दिल से अपनाएंगे तो जो मनोकामना है उनकी वो जरूर पूरी होगी। बिल्कुल, महिषासुर मर्दिनी है और आप इनको देखिए, मैं कहूंगी आकाश मेरे कैमरामैन से माता के दर्शन आप दिखाइए, क्योंकि आप देखेंगे माता का जो रूप है वो कितना मनमोहक है। महिषासुर मर्दिनी हाथ में खड़ग है और चंड मुंड संहारती हुई ये मूर्ति अपने आप में अद्वितीय है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इस मंदिर की भव्यता क्या है, किस तरीके से दक्षिणी शैली में ये जो मंदिर बनाया गया है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। दक्षिण भारतीय शैली में बना मंदिर अपने आप में अद्भुत और वास्तुकला के लिए सुप्रसिद्ध है। इस प्रकार की वास्तुकला को वेसरा वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। मंदिर पर की गई सुंदर नक्काशी बेहद ही मनोरम और अद्भुत है। मंदिर के निर्माण सफेद संगमरमर का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से मंदिर बेहद ही अनुपम माना जाता है। संगमरमर पर बनी महीन जालीदारी नक्काशी बेहद ही आकर्षक है। यूदू श्री आद्या कात्यायनी देवी शक्तिपीठ की महिमा निराली है, अपरंपार है, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए महिमा कितनी निराली है, इस मंदिर की मान्यता कितनी है। हमारे साथ ऐसे ही एक भक्तगण मौजूद हैं जो कि आए हैं यहाँ से नहीं, सीधे पुणे से। चलिए उनसे जाने की कोशिश करते हैं। माँ की श्रद्धा में आए हम, हमारी मांग जो मांग रहती है, हम मांग मांगते हैं, वो हमारे पूरा होती है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हमें 3 साल हो गए आते हैं। 3 साल हुआ है। इस जैसे कि हम कहा जाता है कि जो भी मांगो, चूंकि एक शक्ति पीठ है और शक्ति पीठ में यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं वो तमाम प्रार्थना पूरी होती है। होती है ना, होती है, मेरा जो मांगे तो होती है मेरी पूरा। आपके पास वो टिकट भी था, बता रहे थे कि मैं टिकट से बकायदा हर साल आता हूँ। देखिए ये टिकट देखिए जरा, ये पुणे से आए हुए हैं और ये कहते हैं हर साल आते हैं, यानी कि आप ये समझ पाएंगे कि इस मंदिर की कितनी मान्यता है। चूंकि कहा जाता है ना कि शक्ति और श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि अनायास ही भक्तों को माँ तक खींच के ही ले आती है। मंदिर परिसर तकरीबन 70 एकड़ में फैला हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप बाबा की मूर्ति देख रहे होंगे, ये कर्नाटक के संत थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। कर्नाटक के संत बाबा नागपाल जी 1974 में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ का शिलान्यास सन 1974 में किया गया था। 70 एकड़ पर फैला ये भव्य मंदिर है। देखिए इसके बारे में यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी है, यहाँ पे लिखा गया है परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दुर्गा चरण अनुरागी बाबा संत नागपाल जी इस कक्ष में 1983 से 1988 तक निवास किया, यानी कि वो जगह है जहाँ पर उन्होंने निवास किया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको बता दें कि बाबा का ड्रेस और इसके लिए शैया, ड्रेसिंग टेबल, 9 देवियों के लिए आपस में विचार विमर्श करने की बैठक की गई। देखिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये माता का शयन कक्ष है। देखिए ड्रेसिंग टेबल देखेंगे आप, माता की शयन कक्ष, उनका एक बेड यहाँ पर तैयार किया गया है। और ऐसे ही आपको बता दें आगे बढ़ेंगे तो माता का बैठक कक्ष भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता को दिखाता है। देखिए यूं तो कई मंदिर हैं देश में, लेकिन इतना दिव्य, इतना विशाल मंदिर आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। ये मंदिर परिसर विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है जिसमें कई खूबसूरत बाग हैं, लोन हैं। माँ कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। इस पेड़ पर भक्त चुनरी, धागे और चूड़ी चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ कात्यायनी का श्रृंगार यहाँ रोज सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें इस्तेमाल हुए वस्त्र, आभूषण, माला इत्यादि फिर कभी दोहराए नहीं जाते। देखिए मंदिर प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको ये चुनरी से बंधा हुआ यानी कि मान्यता वाला ये पेड़ नजर आएगा, जिसपे सभी जो भक्त आते हैं अपनी मान्यता को लेकर
जो उनके मन में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, जो मनोकामना होती है, उसे चुनरी के रूप में यहाँ बांध के जाते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो सके। देखिए मान्यता तो ये भी है कि राधा रानी ने श्री कृष्ण को पति के स्वरूप माने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, इस पेड़ की महिमा के बारे में और यहाँ पर जो मान्यता है उसके बारे में बताएंगे। पंडित जी, हम देख पा रहे हैं कि बहुत सी जो चुनरियाँ हैं इस पेड़ पर टंगी हुई हैं, क्या मान्यता है? ये मान्यता है अनंत से विभूषित बाबा संत नागपाल जी महाराज अभिमंत्रित करके इस मंत्र पेड़ को लगाए थे, और यहाँ जो भी भक्त जन आएंगे उनकी मुरादें पूर्ण होगी, ऐसे उनका अभिमंत्रित ये पेड़ है। इस पेड़ का नाम भी है कल्पतरु। कल्पतरु का भाव होता है जो आप जो पेड़ के नीचे जाकर कल्पना करेंगे भगवान भगवती उसे पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसी कामनाओं के साथ भक्त जन यहाँ आगे बांधते हैं, किसी की कुमारी कन्या की शादी नहीं हो रही है अपनी शादी के लिए बांधते हैं, किसी की धन की आवश्यकता है धन की प्राप्ति के लिए, किसी की वो संतान की कामना है संतान प्राप्ति के लिए, जो जिन कामनाओं के साथ आते हैं बांधते हैं भगवती महान उनकी मनोरथ पूर्ण करती। यही कारण है कि यहाँ अनेक ही संख्या में लोग आते हैं, प्रतिदिन बांधते हैं यहाँ इस पेड़ में और ये लग जाता है बंद करके। तो माँ का ये पूजन का यहाँ पर में आने से जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं माँ का आशीर्वाद से मिलता ही है, अनंत श्री विभूष बाबा संत नागपाल जी महाराज का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। और शास्त्र का विधान है, शास्त्र में उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में भी है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा रानी सहित गोपांगना जितनी थी वो सब कामना की भगवान कृष्ण समय पति रूप में प्राप्ति हो। 16108 पटरानी हुई भगवान श्री कृष्ण का, सबने कामना किए थे इनके लिए भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, माँ ने किसी को निराश नहीं किया, सभी की मनोकामना पूर्ण किए। इसीलिए भागवत में उल्लेख है, मंत्र है, इस मंत्र का निवेदन करें। आपके चैनल के माध्यम से भी जो भक्तजन सुन रहे होंगे उन्हें भी मैं कहूँगा कि अगर सुंदर घर भर की प्राप्ति है, घर में कुमारी कन्या है और सुंदर घर भर की उन्हें प्राप्ति चाहिए, तो माँ भगवती कात्यायनी का अवश्य आराधना करें। और भगवान कृष्ण इसी तरह से मिले थे राधा रानी को भी। कात्यायनी मंत्र में निवेदन कर रहा हूँ पुनः, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिमे कुरुते नमः। पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिमे कुरुते नमः। इन मंत्र का निवेदन करें, माँ कात्यायनी का पूजन करें, उन्हें तो निश्चय सुंदर घर पर मिलेंगे ही, उनका जीवन बहुत सुखद होगा। देखो देखिए पंडित जी, आपने इतनी सुंदर तरीके से भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाली बात कही कि कितनी आसानी से माँ मान जाती हैं, बस उनके दर्शन मात्र करिए, उन्हें मन से आप कैसे याद कर सकती हैं। पंडित जी देखिए, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि ये कहा जाता है कि देश में ये दूसरे ऐसा परिसर में इतने 70 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है, इतना बृहद मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। माता के बारे में ये मान्यता भी है कि माता के लिए बकायदा एयरलिफ्ट करके जो माला है वो हर रोज मंगाई जाती है उनके श्रृंगार के लिए। ये बात सत्य है, और महारानी का माला प्रत्येक दिन आते हैं, उन्हें धारण करवाया जाता है, उसका विधान है। प्रातः काल माला का परिक्रमा होता है, मंदिर परिक्रमा, और उसके बाद माँ के गले में धारण कर, जिसमें भक्तजन होते हैं, विद्वान जन होते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, उसके बाद माँ को अर्पण किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इस मंदिर में कि माँ महिषासुर मर्दिनी माँ का दुर्गा का जो विग्रह है उन्हें जब भी दर्शन करेंगे 12 महीने हर पूर्णिमा नवरात्रि में 9 दिन 9 रात खुलता ही मंदिर है, प्रतिदिन माल्यार्पण होता ही है, और हर महीने में 1 दिन पूर्णिमासी को भी मंदिर खुलता है। सुबह प्रातः काल से उन्हें 5 बजे से दर्शन प्रारंभ हो जाता है, रात के 12 बजे तक चलता है। जब भी आएंगे माला वही पाएंगे आप, जो विग्रह में आज माला देख रहे हैं आज के दिन में, वही अगले पूर्णिमासी में, उसी अगले पूर्णिमासी में क्रमशः उस माला में उनकी माला की जो भी उनका लालित्य है वैसा ही रहता है, और वही मिलेगा आपको दर्शन करने का। आज आप दर्शन करके जाएंगे तो और अगले पूर्णिमासी को आएंगे तो आपको ये होगा कि वही माला ने आज है, इतने भव्य माला और उसी तरह से माला माँ का अर्पण, उसमें कोई उसमें माला का जो मापदंड है बनाने का वो भी उसी क्रम में होता है, जिस तरह से फूल की माला में सजाया जाता है वो भी उसी क्रम में।
जितने जितने दूरी पर फूल की मालाओं में पुष्प ग्रंथि किया जाता है वह भी उसी तरह से कोई कमी नहीं, पूरे मापदंड के साथ उस माला को बनाया जाता है। एक एक पुष्प को अलग अलग ढंग से उसमें सजाया जाता है कि माँ के गले में माला भव्य रहे, सुशोभित रहे और भक्त जन उसे देख करके प्रसन्न हो। माँ की साक्षात सान्निध्य में जाने के बाद हर इंसान के अंदर में एक दैवी शक्ति, एक आसुरी शक्ति। आसुरी शक्ति जब प्रबल होता है तो इंसान उग्र रूप धारण कर लेते हैं, वही गलत काम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब दैवी शक्ति रहता है जागृत तो उन्हें गलत काम नहीं होने देता है। अतः माँ का निवेदन करें, प्रतिदिन भगवान प्रति समर्पित रहें कि आसुरी शक्ति की कभी जागृति ना हो और दैवी शक्ति से हमेशा आशीर्वाद हमें मिलता रहे। माँ के सान्निध्य आने से स्वयं में भी आसुरी शक्ति की पलायन। बिल्कुल, और यही चाहते हैं सभी कि माता का आशीर्वाद उनको मिले, उनको वो शक्ति मिले जिसकी वो मनोकामना करते हैं। देखिए अभी परिसर आप देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है ये पेड़ जो मैंने आपको दिखाया, इसके बाद ये भव्यता जो है मंदिर की वो देखते ही बनती है। ठीक मेरे पीछे वो संत आप देख पाएंगे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ माता का भव्य मंदिर आपको नजर आएगा, इसके बाद 20 ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी हैं इस प्रांगण में जो कि इस मंदिर की सुंदरता को, भव्यता को और भी सुशोभित करते हैं। तो भक्त पूरी मनोकामना के साथ यहाँ आते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए माता के दरबार में अरदास लगाते हैं। माँ को खास तरह की फूलों की माला पहनाई जाती है जिसमें माँ का स्वरूप एकदम मनोहारी लगता है, जिसमें सभी इस्तेमाल किए गए फूल दक्षिण से एयरलिफ्ट किए जाते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु, गणेश, माता लक्ष्मी, हनुमान जी और सीताराम आदि के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि ग्रहण में भी ये मंदिर खुला रहता है। नवरात्र के दौरान इसके द्वार 24 घंटे अपने भक्तों के लिए खुले रहते हैं। 70 एकड़ में फैला ये मंदिर अपने आप में यूं तो भव्य है। आपको बता दें माँ कात्यायनी के मंदिर के अलावा 20 छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पर स्थापित हैं। देखिए कुछ मंदिर की झलक मैं आप तक दिखा रही हूँ, ये अत्यंत सुंदर, आप इनका साज सज्जा देखिए, इस मंदिर को सजावट देखिए जो अनायास ही किसी का मन मोह ले। माँ कात्यायनी देवी अत्यंत ही सुंदर नजर आती है। छतरपुर स्थित माता का ये मंदिर आदि शक्ति के रूप में भी विश्व विख्यात है। माता का अद्वितीय सुंदर स्वरूप आप देखिए, आपको देखते ही लगेगा कि माता का जो ये वात्सल्य से भरा हुआ ये माता का मंदिर, माता की मूर्ति अनायास ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्राचीन मंदिर की, इस शक्तिपीठ की मान्यता क्या है। पंडित जी मान्यता की बात की जाए तो ये कथाएं तो बहुत प्रचलित होती हैं, माँ कात्यायनी देवी की इस मंदिर की क्या मान्यता है? ये संत बाबा नागपाल जी ने प्रतिष्ठा किया, माँ कात्यायनी आदि शक्ति माँ का स्वरूप है, इसे वर प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। जो बेटियाँ शादी के लिए वर प्राप्त करती हैं उसके लिए माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है और पुत्र प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है और आदि शक्ति माता है, तो इसका पूजन करने से पुत्र प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। ये पद्म आसमान में बैठी हैं, विराजमान है माँ कात्यायनी, इनका स्वरूप मन में हृदय से अगर पूजा करता है तो उसको सब प्राप्त होता है। देखिए आपके पास श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है कि माता आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी, तो यकीन मानिए माँ कात्यायनी देवी या माँ के कोई से भी नौ स्वरूप जिसको आप, जो आपकी आराध्य है, आप उनकी पूजा करेंगे तो वो निश्चित ही आपको श्रद्धा से तो भरेंगे ही, आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। इस मंदिर के बारे में कुछ पौराणिक मान्यताएं भी है। इसके अनुसार बताया जाता है कि कात्यायन नामक एक ऋषि ने माँ दुर्गा देवी की कठोर तपस्या की थी। माँ दुर्गा उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। माँ ने उस ऋषि को वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने देवी से कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे आपका पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, आप मेरे घर पुत्री के रूप में अवतार लें। इस प्रकार माँ दुर्गा ने
कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिन्हें माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। छतरपुर स्थित इस मंदिर का नाम कात्यायनी देवी के नाम पर रखा गया है। न्यूज इंडिया के लिए दीपिका सिंह की रिपोर्ट। एक संत के द्वारा स्थापित की गए इस मंदिर को सभी लोग मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि अपनी इसकी अलग मान्यता है। आपको इस मंदिर की विशेषता के बारे में हमने बताया, किस तरीके से माता का जो श्रृंगार किया जाता है वो अपने आप में भव्य है। इस प्रांगण को देखिए, क्योंकि मंदिर के ठीक पास की जगह ही है, यहाँ पर छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो विकसित किए गए हैं, वो बनाए गए हैं, जिससे जो श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन कर पाते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो शक्ति पीठ के रूप में इसकी मान्यता वो यही है कि दूर दराज से भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, वो मनोकामना इस मंदिर में आकर जरूर पूरी होती है। कैमरामैन आकाश के साथ दीपिका सिंह, न्यूज़ इंडिया।